একাডেমী খন অর্থাৎ আই কিউ সিভিলস আই এ এস একাডেমীত অধ্যয়ন করে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করবলে সক্ষম হয়েছে। বিগত সময়ের তুলনার কথা আমি যদি উল্লেখ করো, সেই সময়সমূহর লগতে এই বর্ষত বা এতিয়ার যে ফলাফল, এই পরীক্ষাত 30 গৰাকীকৈ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হবলৈ সক্ষম হয়েছে। আমি এই সকলবিলাক পর্যায়ক্রমে আলোচনা করিম। আমি যে সাকসেস স্ট্রেটেজি, সেই স্ট্রেটেজির কথা আমি আলোচনা করব লাগিব বর্তমান সময়ত। মই প্রথমতেই এই বিষয়ত সবিশেষ কথার কারণে সংযুক্ত হয়েছো অনুজ সিং আপনার সঙ্গে। অনুজ সিং, एंड सबसे पहले मेरे दर्शकों को नमस्कार और प्रतिदिन टाइम को नमस्कार यहाँ इस मंच पे हमको बुलाने के लिए। बहुत खुशी है इस बार की नियरली 30 स्टूडेंट्स का एपीएससी में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि टॉप रैंकर्स निकले हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी से। नियरली 7 स्टूडेंट्स एसीएस में हैं, 4 स्टूडेंट्स एपीएस कैटेगरी में है, और बाकी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस और लेबर इंस्पेक्टर कैटेगरी में भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। मैं इस सक्सेस का सबसे पहले श्रेय देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और हमने भी उनको इस तरीके से गाइड किया था कि उनको एक राइट डायरेक्शन मिले। और 4 साल से हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी जुड़े हैं यूपीएससी बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए, और साथ में अपने प्राइवेट सेंटर जो क्रिश्चियन बस्ती जीएस रोड में श्री कामाख्या टावर में लोकेटेड है, वहाँ भी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं ये चीज़ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो सिलेबस अभी चेंज हुआ है एपीएससी का, जो यूपीएससी लाइन्स पे हुआ है, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जो हमारे स्टूडेंट्स का सक्सेस हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एपीएससी का नियरली 88-90% जो सिलेबस है वो यूपीएससी से कॉपी किया गया है, बाकी सिलेबस आसाम पोर्शन है, आसाम हिस्ट्री, आसाम ज्योग्राफी, आसाम आर्ट एंड कल्चर। मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि हमारे स्टूडेंट्स जो थे बोथ प्राइवेट सेंटर के और आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज के, वो यूपीएससी की लाइन पर प्रिपेयर कर रहे थे, और 2 साल पहले जो आसाम गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन किया था कि सिलेबस सेम हो जाएगा, उस चीज़ से उनको काफ़ी बेनिफिट मिला है। अब वो जो बेनिफिट है उसके बारे में थोड़ा सा हम एलैबोरेट करना चाहेंगे। बेनिफिट ये है कि जो स्टूडेंट आसाम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लास्ट 1-2 ईयर्स से, वो एक अच्छे लेवल पर तैयारी करते हैं, किसी भी टॉपिक को फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों के पर्सपेक्टिव से उसकी पढ़ाई करते हैं, और जब वो एपीएससी में भी सिमिलर टॉपिक को पाते हैं सिलेबस में तो उनके लिए वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक यूपीएससी लेवल से, एक हायर लेवल से, एक टॉप लेवल से तैयारी करें जिसमें कि स्टूडेंट को एडवांटेज मिले, उसको डीप लेवल पे नॉलेज मिले, तो स्टेट सर्विस जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं वो थोड़े ईजी हो जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि एक तो ये है कि यूपीएससी लेवल के पे तैयारी करने से एग्जामिनेशन इजी हो जाता है, क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसको मैं बोलूंगा कि एक जरूरत है, जरूरत ये है कि अब एपीएससी का सिलेबस जो गवर्नमेंट ऑफ असम ने सेम कर दिया है तो एक 2-वे फ्लो होगा कैंडिडेट्स का। यूपीएससी के कैंडिडेट्स जो आसाम में 2-3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि वो एपीएससी में भी आके एग्जाम लिखें, और जो एपीएससी के कैंडिडेट्स हैं अब वो डेफिनेटली यूपीएससी भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में लिखेंगे क्योंकि सिलेबस सेम हो गया है। मैं पहले कैटेगरी के बारे में अभी बात करना चाहूँगा जिसमें कि यूपीएससी के कैंडिडेट्स आके एपीएससी में एग्जाम लिखेंगे। अब इससे क्या हुआ कि जो कॉम्पिटिशन है एपीएससी में, जो फाइनल कंपटीशन है आपका, जो मेंस एग्जाम से स्टूडेंट सेलेक्ट होके इंटरव्यू तक जाएगा, वो कंपटीशन असली में यूपीएससी कैंडिडेट्स के बीच में होगा जो आसाम से पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यूपीएससी में बाय चांस जिस कैंडिडेट का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू में रह गए या मेंस नहीं हो पाया, और प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हो पाया, तो उन कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ असम ने बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें कि एपीएससी का सिलेबस सेम होने की वजह से वो इस एग्जाम को भी, स्टेट सर्विस एग्जाम को भी लिख सकते हैं। लेकिन जो मेरे एपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ से एक मैसेज को ड्रॉ करना चाहूंगा। मैसेज ये है कि अल्टीमेटली जब यूपीएससी के कैंडिडेट आके एपीएससी में एग्जाम लिखेंगे तो
कंपटीशन को जरूर बढ़ाएंगे। कंपटीशन को कैसे बढ़ाएंगे कि उनका तैयारी एक फैक्चुअल और एनालिटिकल लेवल से है, उन्होंने एक ऐसे लेवल पे पढ़ा है जहां उनका मोटिव है कि वो ऑल इंडिया कंपटीशन को बीट करेंगे। तो ऐसे मेंटालिटी का जो स्टूडेंट है, ऐसे साइकोलॉजी का जो स्टूडेंट है, जब वो आके स्टेट एग्जाम को लिखता है जहां पे उसका कंपटीशन सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, तो उसको इजी पड़ता है उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल से तैयारी कर रहा है। आसाम के बहुत स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में जाके तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, वो गुवाहाटी में आके तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन को बीट करने का एक एम रखते हैं तो उनके लिए स्टेट एग्जाम को बीट करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा यहाँ पे कि जितने भी मेरे आसाम में प्रिय यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो आई गया है एपीएससी में, और जो मेरे एपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो खाली एपीएससी पे ना फोकस करके यूपीएससी के लेवल से तैयारी करें। उसका कारण ये है कि अल्टीमेटली आपका हो सकता है प्रिलिमिनरी एग्जाम पास हो जाए एपीएससी में, लेकिन जब आपका मेन्स एग्जाम में जब आपका चयन होगा, मेन्स एग्जाम से इंटरव्यू में चयन होगा, सिलेक्शन होगा, तो वहां पे आपको एक यूपीएससी कैंडिडेट को बीट करना पड़ेगा जो आसाम से पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा है। तो ये जो कंपटीशन इंक्रीज हुआ है एपीएससी में, इसको मद्देनजर रखते हुए और गवर्नमेंट ऑफ असम के ऑब्जेक्टिव को ठीक से समझते हुए हमको दोनों एग्जाम की एक साथ तैयारी करनी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम टफ या इजी नहीं होता है। अगर आप यूपीएससी में कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करेंगे, उसके फैक्चुअल वे में पढ़ाई करेंगे, एनालिटिकल वे में पढ़ाई करेंगे, अपने ओपिनियन को बहुत सही तरीके से डेवलप करेंगे, तो यूपीएससी में भी बहुत अच्छा चांस है, और बाय चांस अगर आपका 1% नहीं भी होता है तो एपीएससी में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा चांस है। अब मैं दूसरे व्यू पॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसमें एपीएससी के लोगों को अब यूपीएससी लिखने का भी अच्छा चांस है, क्योंकि अगर एपीएससी का सिलेबस बड़ा है तो यूपीएससी का उससे छोटा है, तो अगर आप एपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यूपीएससी का एग्जाम लिख सकते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम का ऑब्जेक्टिव है, जो मैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, इसमें आसाम गवर्नमेंट ये चाहता है कि एपीएससी के कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी एग्जाम को लिखें और आसाम से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस में ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शंस हो, क्योंकि एक स्टेट का नाम रोशन तभी होता है जब उसके कैंडिडेट जाके एक नेशनल लेवल के कंपटीशन को बीट करते हैं। लेकिन जब हम एपीएससी की बात करते हैं तो एपीएससी में आसाम के स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब का ऑब्जेक्टिव है, सेक्रेटेरिएट का ऑब्जेक्टिव है, इवन आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव है सिलेबस चेंज करने का, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्टूडेंट्स यूपीएससी की तरफ भी बढ़ें। तो कहने का मतलब ये है, सक्सेस स्ट्रेटजी की जब हम बात करते हैं तो एक म्यूचुअल फ्लो को हमको समझना है कि आसाम में यूपीएससी के कैंडिडेट एपीएससी में आएंगे, कॉम्पिटिशन को बढ़ाएंगे, यूपीएससी और एपीएससी दोनों लेवल से हम तैयारी करेंगे तो एपीएससी में भी टॉप रैंक स्कोर करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आपको डेफिनेटली पता लगेगा काफी कैंडिडेट जो हैं वो यूपीएससी के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी स्टैटिस्टिक अभी देना चाहूंगा जिसका हमने काफी कैंडिडेट से भी बात की थी जो अभी एपीएस और एसीएस में जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो हमको ये पता लगा है कि अपने सैंपल साइज के एनालिसिस से कि टॉप 100 रैंक में एटलीस्ट 80-90% जो एस्पिरेंट्स हैं वो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। वो अभी भी ये बोलते हैं कि हम कल को यूपीएससी में जाके एग्जाम लिखेंगे, यूपीएससी का एग्जाम लिखेंगे, एपीएससी में हम लोग डेफिनेटली बहुत खुश हैं, लेकिन अभी जो एस्पिरेशन है वो कंप्लीट तरीके से पूरा नहीं हुआ है। तो यूपीएससी का उनका अभी भी एक मोटिव है, यूपीएससी का एस्पिरेशन अभी भी बचा हुआ है। तो अल्टीमेटली जब हमको 80-90% कैंडिडेट्स टॉप 100 में यूपीएससी एस्पिरेंट मिल रहा है, तो मेरे जो आसाम में एपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि वो कल को जाके यूपीएससी एपीएससी को दोनों को साथ में एक इंटीग्रेटेड वे में देखें। आपने एपीएससी का भी एग्जाम दिया, आपने यूपीएससी का भी दिया, जहां पे आपका एग्जाम अच्छा होगा वहीं पे सिलेक्शन होगा। यूपीएससी में भी 1000 सीट्स हैं, आसाम गवर्नमेंट का भी एक प्रपोजल है जिसमें कि सीट्स को बढ़ाने की बात चल रही है एपीएससी में, तो दोनों मिला के अगर आपको 1500 प्लस सीट्स पे कॉम्पिटिशन मिले तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने आप को एक में रेस्ट्रिक्ट ना रखें, क्योंकि एक तो है कि यूपीएससी में एक बड़ी पोजीशन डेफिनेटली मिलती है, और ऊपर से अगर आपको एपीएससी में सिलेक्शन देना है तो उसमें अगर हमें यूपीएससी एस्पिरेंट को बीट करना है तो हमें उसी थॉट प्रोसेस से तैयारी करनी पड़ेगी। হয়, নিশ্চিতভাৱে আচলতে আপুনি যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শিক্ষাৰ্থীসকল, কাৰণ বৰ্তমান সময়ছোৱাত এপিএছচি আৰু ইউপিএছচিৰ কাৰণে যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজকে সাজু কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে আগবাঢ়ি গৈছে, কিন্তু এই সময়ছোৱাত কেনেধৰণে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব তাক লৈ বিপাঙত পৰা পৰিলক্ষিত হয়। আমি এই মুহূৰ্তত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আই কিউ চিভিলছ
এই যে নির্দিষ্ট একাডেমিখন আছে সেই একাডেমিত অধ্যয়ন করে অতি দরিদ্র এটা পরিয়ালৰ পৰা হরিচরণ ভূমিজ নামৰ এগৰাকী ছাত্র শিক্ষার্থীরে 41 ৰেংকত উত্তীর্ণ হৈছিল আৰু সেই হরিচরণ ভূমিজেনো কি কথা কয় বা কেনে ধৰণে তেখেত আজি সুখী হৈছে এই সকলোবিলাক বিষয় লৈ তেখেতৰ কিছু ভাষ্য আছে এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আগবঢ়াইছো আর এইখিনতে মই কব বিচাৰিছো যে 2019 বৰ্ষত যি অসম চৰকাৰৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে সময়ীয়া এক কোচিং প্ৰগ্ৰাম এৰেঞ্জ কৰা হৈছিলে তাত মই যোগদান কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ আৰু সেই সময়ীয়া কোচিং প্ৰগ্ৰামে মোৰ এই যাত্ৰাটোত বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে এইখিনতে মই নাম ল'ব লাগিব এজন শিক্ষাগুৰু অনুজ ছাৰ তেখেত হৈছে আইকিউ চিভিলছ আইএছ একাডেমীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোচিং সরকার কোচিং প্রোগ্রামত জড়িত আছিল আর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় মানে ইমানদূর আগবাড়ি আইসো বলে কলেও ভুল পোয়া নহব মই জিওগ্রাফি অপশনাল লৈছিল আর জিওগ্রাফি অপশনালের প্রতি টান পার মূল কারণটাই হয়েছে অনুসার তেখেতর অনুপ্রেরণাত মই জিওগ্রাফিত আগবাড়ি গৈছিল আর অপশনাল হিসাবে এই জিওগ্রাফিত আগবাড়ি গৈ মই এই স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো বলে মই আজি অনুভব হৈছে গতি মই এই জায়গাত সমূহ অনুসার তথা প্রাপ্তি আর হরিচরণ ভূমিজর আমি ভাষ্য শুনালো আসলে সন্তুষ্টি তেখেতে ব্যক্ত করেছে অতি দরিদ্র মাতৃ আসলে যথেষ্ট সংগ্রাম করে আর তারপর আই কিউ সিভিলস আই এ এস একাডেমিত অধ্যয়ন করে সফলতা অর্জন করেছে আর আমি আর কথা পাতিম কিন্তু এই মুহূর্তে লোক খন্তেক বাণিজ্যিক বিরতি নিহারে বুজায় নিজকে নিজে সলনি করার আরম্ভণি চুলির পৰা হয় ইয়াত আছে নারিকল আর মেথি যে রাখে আপনার চুলি ঘন আর সুন্দর প্রতিটি সলনির বাবে নিদ্রাত যেন কারো কুদৃষ্টি নপরে মো আঁতরাই কিন্তু ধোঁয়া নিদিও পায় যাতে টোপনির উপর কারো কুদৃষ্টি নপরে গুড নাইট লিকুইড আজি মাক সারপ্রাইজ দিও পারিবনে